तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई एवरीवन हेट्स गो। तो अगर इस वीडियो पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पोकेमोन जर्नीज के अंदर हमें एक नए रीजन का पता चला जिसका नाम था गैलार रीजन, और उसके अलावा हमें इसके अंदर एक नए कैरेक्टर का भी पता चला जिसका नाम है गो। एंड कुछ चीजों की वजह से गो को काफी ज्यादा हेट मिलता है पोकेमोन फैंस की तरफ से। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर गो को इतना हेट क्यों मिलता है और वो ऐश का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल कंपेनियन क्यों है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गो के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि गो का जो नाम है वो पोकेमोन के गेम पोकेमोन गो के ऊपर बेस करके बनाया गया है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पोकेमोन गो के अंदर हमें पोकेमोन को पकड़ने के लिए उनसे बैटल करनी नहीं होती, बस पोकेबॉल फेंकना होता है और वो पोकेमोन पोकेबॉल में आ जाते हैं। लेकिन एनिमे के अंदर बिल्कुल उल्टा है, जहां पर हमें शुरुआत से ये देखने को मिला है कि पोकेमोन को पकड़ने से पहले उन्हें बैटल में कमजोर करना होता है, उसके बाद उन पर पोकेबॉल फेंक कर उन्हें पकड़ना होता है। और इस चीज को हमने शुरुआत से देखा है कि ऐश जब अपने पहले पोकेमोन के रूप में पीजी को पकड़ना चाहता था तो जब उसने उस पर पोकेबॉल फेंका तो पीजी वहां से बाहर आ गया। और उसके बाद ऐश ने एक बार और यही गलती की थी, जहां पर मिस्टी ने ऐश को समझाया कि पहले बैटल में पोकेमोन को कमजोर किया जाता है, उसके बाद ही कोई ट्रेनर उन्हें पकड़ सकता है। एंड आप इसे एक तरह से पोकेमोन एनिमे का रूल भी कह सकते हो। एंड ऐश ने भी इस बात को मैं और उसके अलावा पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट में एक और ट्रेनर को बताया था। लेकिन पोकेमोन जर्नीज के अंदर हम देखते हैं कि गो बिना किसी पोकेमोन से बैटल किए हुए उन पे पोकेबॉल फेंकता है और वो पोकेबॉल के अंदर आ जाते हैं। एंड गो ने अभी तक 80 पोकेमोन पकड़ लिया है पोकेमोन जर्नीज में। एंड ये चीज काफी ज्यादा गो को कंट्रोवर्सीज में घेरती है जिसकी वजह से पोके फैंस उसे नापसंद करते हैं। एंड जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि गो को अभी तक हमने काफी ज्यादा पोकेमोन पकड़ते हुए देखा है, लेकिन वो पोकेमोन से दोस्ती नहीं करता, बस वो उन्हें इसलिए पकड़ता है ताकि वो उसकी कलेक्शन में शामिल हो सके। और उसकी पोकेमोन की कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छी दिखे जो कि गो को काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में घेरती है। एंड ये चीज भी गो को काफी ज्यादा हेट मिलने की वजह है। एंड जो अगली चीज है वो ये है कि लेजेंडरीज पोकेमोन को पकड़ना काफी ज्यादा बड़ी बात है, एंड इस चीज को गो ने कर दिखाया है। एंड इससे पहले हमने देखा है कि मे और मैनपे का बीच का रिश्ता भी काफी ज्यादा अच्छा था, और उसके अलावा जिराची का ट्रस्ट मैक्स ने भी जीता था, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी लेजेंडरी पोकेमोन को नहीं पकड़ा। एंड इसके अलावा ऐश ने अब तक काफी ज्यादा लेजेंडरी पोकेमोन की मदद की है, लेकिन इनमें से ऐश ने किसी को भी नहीं पकड़ा। एंड मिथिकल पोकेमोन के रूप में अभी उसके पास बस एक ही पोकेमोन है जिसका नाम है मेलमेटल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गो के पास एक लेजेंडरी पोकेमोन स्वीकून है जिसे पकड़ने में वो कामयाब रहा। एंड हो सकता है कि इस सीरीज के एंड में हम देखें कि गो एक म्यू भी पकड़ लेता है क्योंकि उसका ड्रीम है म्यू को पकड़ना। एंड आखिर में जो गो को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में घेरता है और पोकेमोन फैंस की तरफ से इसे हेट मिलने की वजह है वो ये है कि पोकेमोन सीरीज के अंदर हमने ऐश को एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखा है, लेकिन इस सीरीज के अंदर हमें ऐश से गो एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखने को मिल रहा है। एंड जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि शुरुआत से अंत तक हमने देखा है कि ऐश जिस भी रीजन में जाता है वो वहाँ का एक स्टार्टर तो जरूर ही पकड़ता है, लेकिन इस सीरीज के अंदर ऐश ने एक भी स्टार्टर नहीं पकड़ा और सारे स्टार्टर गो के पास हैं। एंड इस वजह से कई लोग इस सीरीज को हेट करते हैं, एंड गो को इसी वजह से सबसे ज्यादा हेट भी मिलता है क्योंकि वो बार बार ऐश की जगह लेने की कोशिश करता है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय।